स्वागत है दोस्तों मेरे न्यू चैनल द इंडियन आरसी में। तो दोस्तों इस चैनल में हम बहुत कुछ धमाल करने वाले हैं आरसी मतलब रिमोट कंट्रोल सिस्टम को लेके, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बेसिकली डाई चैनल है अगर, और मुझे पक्का यकीन है कि अगर आपको इंजीनियरिंग पसंद है तो मेरी जो वीडियो है, मेरी जो कंटेंट है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। हाँ, तो जो बता रहा था दोस्तों, आज के हम क्या बनाएंगे। तो दोस्तों दिवाली का मौसम है तो हम एक स्काई शॉट लॉन्चर बनाएंगे, मल्टी बैरल स्काई शॉट लॉन्चर। लेकिन दोस्तों हर एक लॉन्चर बनाने से पहले हमको एक बेस चाहिए होता है जिसके ऊपर हम लॉन्चर को रखेंगे। तो इसके लिए हम बहुत सी पहले एक रोवर बनाया था। जैसे कि आप देख रहे हो, तो ये जो रोवर मैंने बनाया था इसके ऊपर एक मोबाइल लगा हुआ था और ये बस एक ऑब्जर्वेशन रोवर था। तो लेकिन इस जो रोवर है इसको मैंने अपग्रेड करना है, इसके इसकी जो बाकी सब कुछ है खोल देना है, खोल के इसकी ऊपर एक लॉन्चर लगा देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने वो जो रोवर है उसको बनाया था। तो अगर पहले आप रोवर को देख लो, फिर बात करते हैं कि लॉन्चर को कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों ये जो रोवर है ये हमारा बेस बनेगा। आपने तो देख ही लिया कि इस रोवर को मैंने कैसे बनाया, लेकिन आपको इस रोवर के ऊपर भी और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों अभी हमें ये जो लॉन्चर है, देखो बेसिकली हम तो लॉन्चर को ऐसे ही जोड़ सकते हैं, लेकिन भाई हम ना थोड़ी फैशनेबल है, हमको लॉन्चर से ऊपर नीचे करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों हमने एक अलग से मैकेनिज्म बनाया है। ये जो मैकेनिज्म है दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे हमने एक सर्वो लगा दिया और यहाँ पे रबर बैंड लगा देंगे। ये रबर बैंड टेंशन बनाए रखेगा और ये सर्वो जो है इसको ऊपर नीचे करता रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसको पहले जोड़ देते हैं, सब कुछ सर्वो जोड़ देते हैं और ये जो रबर बैंड इसको बांध देते हैं, फिर मैं आपको बाकी का काम दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पहले ड्रिल करके रखी है और अभी हम ये जो इसको बोलते हैं दोस्तों बोल्ट, और इसको बोलते हैं नट, और इस नट बोल्ट को हम जोड़ देंगे। तो ठीक है दोस्तों जोड़ देते हैं। और हाँ, मैंने पहले देखने को भाई, जी हाँ यहाँ से आ गया। और इसको वाशर बोलते हैं, ये वाशर दे देंगे। ये क्या करेगा, ये जो नट का जो प्रेशर है, प्रेशर को हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे क्या होगा ये बहुत अच्छी तरह से बैठा रहेगा। और हमारे पास एक और है, ये भी हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और ये हो गया दोस्तों। देखो बहुत ही सिंपल सा हो गया। अभी लॉन्चर का बात, जैसे कि मैंने बोला था आपको, ये जो सिस्टम है बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है दोस्तों। आप इसको स्टेपर के साथ भी बना सकते हो, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश किया है बहुत ही सिंपल चीज़ से बहुत ही अच्छा चीज़ बनाने के लिए, मतलब सिंपल जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी यूज इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत अच्छा कुछ दिखाए, ठीक है ना। तो ये देखो ये हो गया।
तो ये जो रबर बैंड है दोस्तों, ये देखो टेंशन बनाए रखेगा यहाँ पे, और इधर का जो सर्वो है मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये सर्वो ऊपर नीचे करेगा। और अभी इस लॉन्चर को यहाँ पे टिकाए रखने के लिए हमको एक बेस की जरूरत पड़ती है, और हमने ये जो देखो बेस, बेसिकली दोस्तों देखो सब कुछ होममेड है। ये जो चीज़ है ना, ये पीवीसी पाइप है, मैंने काटा और गर्म किया और बस बना दिया ऐसे, ठीक है ना। तो हम स्क्रू मार देंगे यहाँ पे, देखो ऐसे ही स्क्रू मार देंगे। ये बहुत ही सिंपल सा काम है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरे काम को आप फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। इसीलिए ये लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो लॉन्चर है मैंने आपको दिखा दिया, देखो ये जो लॉन्चर है, ये लॉन्चर एकदम बेसिक सा है। मैंने देखो यहाँ पे सब कुछ ऐसे जाम कर दिया, ये सारे भी मैं जाम कर दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों ये तार एक कनेक्शन के साथ हम स्काई शॉट को लगा देंगे। ये पीवीसी पाइप है दोस्तों और कुछ नहीं है, बेसिक सा चीज़ है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, हम उसी से काम करते हैं। ओके दोस्तों लग गया दोस्तों, अभी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी जो हमको ज़रूरत पड़ेगा वो है इसकी, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, इसको बोलते हैं रिसीवर। मेरे पास 6 चैनल की रिसीवर है और ये स्काई स्काई का रिसीवर है, ठीक है ना। हम इस रिसीवर को लगा देते हैं और देखो कहाँ गई जो दोस्तों, ये जो चीज़ है इसको बोला जाता है ESC। तो दोस्तों अभी इसको मोटर चलाने के लिए अब इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब ड्रोन में इस्तेमाल करते हो, लेकिन यहाँ पर हम इसे पावर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमें इस जो ये जो तार है इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इस तार को ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन ये जो चीज़ है, ये मतलब जो सिग्नल वायर होती है, ये हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके नीचे से हम इसको ले लेते हैं भाई, ऐसे लेके इसको हम जो बाइंड करने के लिए जो चैनल होती है वहाँ पे लगा देंगे। देखो ये जो सिग्नल वायर है, हमेशा सिग्नल का यह देखो, ये सिग्नल वायर है, और इस दो चक्का का जो है ये 4x4 का हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो ये दो एक लाइन पे है और ये दो एक लाइन पे है। तो हम क्या करेंगे, एक को लेंगे, मानो कि उधर का लिया, उधर को हमने चैनल 4 पे लगा दिया, ठीक है ना। और इधर का लिया, इधर को हमने चैनल सोचो कि एक पे, हाँ एक पे लगा देते हैं, ऐसे ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, चैनल एक पे लगा दिया। और ये जो सिस्टम है दोस्तों, ये देखो ये जो सर्वो है, मैं आपको आपके दिशा से घुमा देता हूँ। तो ये जो सर्वो है ये क्या करके घूमेगा और इसको ऊपर नीचे करेगा, और ये सर्वो को, हाँ यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने ये जो सारे सर्वो है इसके खास अपग्रेडेशन किए, जिसके माध्यम से ये क्या हो गया, ये अभी एक गियर मोटर हो गया, लेकिन अलग से हमें कोई ड्राइवर का जरूरत नहीं है। हम जो सर्वो का जो बोर्ड होता है उसी से हम इसको एकदम सीधा सीधा रिसीवर में लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये इसको यहाँ से ले लेते हैं, और ये रही हमारी रिसीवर की। इसको मैं हमेशा इसको 5 पे जोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ वहाँ पे सेट है, मतलब हाँ सेट हो गया। आप अपने हिसाब से कहीं पर भी किसी को भी जोड़ सकते हैं, आपको जैसे कंट्रोल अच्छा लगता है आप कर सकते हो, ठीक है ना। सो दोस्तों हमारी जो लॉन्चर है वो पूरी तरह से तैयार हो गया, और ये जो दोस्तों पता नहीं आपके उधर मिलते भी है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बंगाल में ये बहुत मिलता है। इसको हम, ये बहुत छोटा है और सेल के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है, और ये एक स्काई शॉट ही है, मतलब स्काई शॉट होता है ना वही। तो ऐसा तो मेरे पास मतलब बहुत सारा है, तो हम ऐसे ये दो को इस्तेमाल करेंगे। खैर इस सारे को रख देते हैं अभी।
तो हम इस दो को इस्तेमाल करेंगे और हमारे स्काईशॉट लॉन्चर में। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे बता दो कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैंने छुपा दिया है, क्योंकि जो रिमोट के माध्यम से फायर करने की जो सिस्टम है मैंने उसको छुपा दिया है, तो उसको जानने का जरूरत नहीं है। बाकी का आप तो जान ही गए होंगे। और ये जो सिस्टम है, ये भी ये जो है आपको तो पता ही है किस तरह से इसको ब्लास्ट किया जाता है। तो हम इसको लोड करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से लोड किया जाता है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। लोड करते हैं और फिर मजा करते हैं, मतलब बकचोदी करते हैं और टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, बातें बंद करते हैं और काम करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों मेरे ख्याल से YouTube में, इंडियन YouTube में पहली बार है कि कोई इस तरह से चीज लेके काम कर रहा है। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर आपको कुछ और चैनल दिखता है जो ये सब लेके काम करते हैं, आप मुझे बोल सकते हो, मुझे दिखा सकते हो वो चैनल। लेकिन दोस्तों, आई होप कि मेरी जो कंटेंट है वो आपको बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपको इस तरह की कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको RC रिमोट कंट्रोल को लेके बहुत कुछ सोच है आपके पास, अगर आपको ड्रोन के ऊपर बहुत कुछ डिफेंस सिस्टम जोड़ना अच्छा लगता है, अगर आपको डिफेंस की चीज़ बनाना अच्छा लगता है, तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए है। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आपके पास पहुंचेगा कैसे, ठीक है ना भाई। सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा देना, और फिर ऑल को दबा देना, क्योंकि दोस्तों अगर ऑल को दबा दोगे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों भाई देखो, एक शेयर कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, कमेंट मार दो कि कैसा लगा वीडियो और आपको आगे चल के कैसा चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरी इस चैनल में फर्स्ट वीडियो है, और खैर दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं और कुछ नए वीडियो लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।